बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी डिनर किए है, मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, लेकिन वही के कोई हेल्दी टाइप का बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कैरेट केक बनाती हूँ, हेल्दी वर्जन, और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो सबसे पहले वेट इन्ग्रीडियंट जो हैं वो मैं आपको बता दूँ। मैंने 3 एग लिए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी तोड़ के बोल में डाल लिया है, ठीक है। 3 eggs और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाला है ऑरेंज का जेस्ट, वो जो छिलका सा ऊपर से उतार के ये ऑरेंज ऑरेंज आपको नज़र आ रहा होगा। 1/2 कप ऑयल डाला है और 1 कप जो है वो ऑर्गेनिक जो है नो एडिड शुगर वाला जो है मेपल सिरप डाला मैंने, ठीक है, शुगर नहीं डाली, ठीक है। और इसके ये हो और 1 teaspoon जो है वो वनीला एसेंस डाला है। ये हमारे हो गए वेट इंग्रेडिएंट्स। और इसके अलावा ये 4 कैरेट्स थी जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है पील करके, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से अखरोट हैं। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने जो है 1 कप जो है वो मैंने होल मील सेल्फ रेजिंग फ्लोर लिया है, ठीक है। वाइट वाला नहीं लिया मैंने, होल मील लिया है, ठीक है, 1 कप। और 1 कप मैंने आलमंड फ्लोर लिया है, ठीक है। और 1 teaspoon जो है वो सीनीमन है, 1/2 teaspoon सॉल्ट, और 1 teaspoon जो है वो लिया है बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। तो ये हमारे हो गए ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और अब क्या करना है, अब मिक्स कर लेना है सबको। इसको फैन लेंगे हम इस तरह से। अच्छा, तो ये एग और ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर जो है वो हम अपनी कैरेट्स डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ तो इस वजह से फिर मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सारे का सारा इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मैपल सिरप नहीं है, आप शुगर डालना चाहते हैं, तो आप 1 कप शुगर डालिएगा, ठीक है, 1 कप या 1.5 कप। अगर हम मेरी तरह इतना तेज़ मीठा नहीं खाते तो 1 कप, अगर आपको पूरा पूरा मीठा चाहिए, ज़्यादा थोड़ा सा स्वीटनेस चाहिए, तो 1.5 कप आप शुगर डाल लें। ओवन ऑलरेडी मेरा प्री हीट हो रहा है। दैट्स इट, ये मिक्स हो गया। अब इसको पैन में डालते हैं। तो ये मैंने इस तरह से पैन लिया है और उसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर बिछा लिया है, ज़रा इजी रहता है निकालना। अब इसके अंदर सारा हम अपना बैटर डाल देंगे। थोड़ा टैप कर लेंगे। अब इसको 160 पे तकरीबन 50 to 55 मिनट हम बेक कर लेंगे। तो हमारा केक जो है वो बेक हो गया है, ऑलमोस्ट 60 मिनट, 1 घंटा बेक हुआ है। तो ये मैंने इस तरह से निकाल के बाहर रखी है, ये ठंडा होता है उतनी देर में, वैसे ऑलरेडी ठंडा हो गया है। तो हम अब इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं। तो जी, यहाँ पे एक बाउल में मैंने लाइट क्रीम चीज़ ली है। आप चाहें तो फ्रॉस्टिंग के बगैर भी खा सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी खाना है तो, लेकिन मुझे थोड़ा कैरेट केक जो है वो थोड़ी क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग ऊपर हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये मैंने लाइट क्रीम चीज़ ली है और इसके अंदर जो है एक ब्लॉक ही ली है। इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, अंदाजे से डाल रही हूँ। और स्वीट थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए मैं थोड़ा सा मैपल सिरप डालूँगी। दैट्स इट। और अब हम इसको कर लेंगे बीट।
तो ये देखिए जी, हमारी फ्रोस्टिंग जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम केक के ऊपर लगाएंगे। जी, फ्रॉस्टिंग हमने कर ली है। अब मेरे पास वॉलनट थोड़े से हैं, वो भी लगा देंगे। जी, हमारा मज़ेदार सा हेल्दी वर्जन ऑफ कैरेट केक जो है वो रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।